इस वेले दी वड्डी खबर चंडीगढ़ तो आ रही है, जिथे चंडीगढ़ के एलेंटे मॉल के बंब होने की आशंका जताई जा रही है। मॉल के बंब होने की सूचना मिलदिया ही चंडीगढ़ पुलिस और प्रशासन तुरंत हरकत के आया तो पुलिस वालों तुरंत ही सारे मॉल को खाली करवा लिया गया। दस दिए कि 100 नंबर यानी कंट्रोल रूम से एक अणपछाती कॉल आई सी, कॉलर ने चंडीगढ़ के एलेंटे मॉल के बंब रखे होने की गल आखी सी, जिस तो बाद क्योंकि 15 अगस्त के दिन चल रहे हैं, इस करके जी सुरक्षा वो कड़ी की गई है। इसलिए चंडीगढ़ पुलिस ने कोई भी कुताही ना वरतदिया तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस मौके पूरा एलेंटे मॉल को खाली करवा रखा गया, बंब डिटेक्शन सिक्योर को बुला लिया गया, जो कि इस मौके चंडीगढ़ के एलेंटे मॉल के सर्च कर रही है। पुलिस इस मामले ते कोई भी कुताही और लापरवाही वरतन के मूड के नहीं दिख रही, इस करके चंडीगढ़ पुलिस हुण एलेंटे मॉल के इकले इकले शोरूम नू सर्च कर रही है। इस पूरे मामले ते चंडीगढ़ के SSP भी मौके ते पहुंचे, जिन्होंने मीडिया नू जानकारी दिती। मीडिया नाल गलबात करदिआं चंडीगढ़ की SSP ने आख्या कि लोगों नू किसी भी तरह की हफड़ा दफड़ी मचाउण की लोड़ नहीं अते पुलिस अपना काम कर रही है। उन्हें आख्या कि कंट्रोल रूम से बंब की सूचना देने वाली जो कॉल आई सी वो इंटरनेट तो की गई कॉल सी, इस करके कॉलर का हाले पता नहीं लगाया जा सकिया, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले ते एहतियात वरत रही है अते पूरे एलेंटे मॉल नू खाली करवा के सर्च की जा रही है। देखो, आज एक कंट्रोल रूम में कॉल मौसूल हुई थी एलेंटे मॉल में कि कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस हो सकता है, तो इस कॉल को ट्रेस करने में भी हम लगे हुए हैं। और चंडीगढ़ पुलिस की जो बॉम्ब डिस्पोजल टीम है, एंटी सबोटाज चेक टीम है, ऑपरेशन सेल्स की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम्स और लोकल पुलिस सारे मिलके इस टाइम पे एक कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं। एलेंटे मॉल की जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स है वो भी हमें इसमें हेल्प कर रहे हैं। अभी तक किसी भी तरीके का कोई थ्रेट पाया नहीं गया है, परंतु एहतियात के तौर पे और 15 अगस्त जो आ रहा है उसके मद्देनज़र हम इसको जो है वन बाय वन, शॉप बाय शॉप, फ्लोर बाय फ्लोर सब कुछ ठीक से चेक करेंगे और उसके बाद ही जो है क्लियर हो पाएगा कि ये फेक कॉल थी या सही कॉल। ये कॉल जो आई है इसके कुछ अभी तक पता चल पाया है किसने कॉल की है, कैसे? अभी तक ये लगा है कि ये इंटरनेट से VOIP से हुई हुई कॉल है, तो इसको ट्रेस करने में थोड़ा समय लग सकता है। क्योंकि सिचुएशन भी इस टाइम 15 अगस्त या 370 को लेकर काफी सिचुएशन भी सेंसिटिव है, तो किस तरह से देख रहे हैं? पर मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाह रही हूँ पब्लिक को भी, सभी को, कि पैनिक क्रिएट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। प्रोफेशनल टीम्स जो है वो जॉब पे है, सर जॉब पे, और जो भी नतीजा होगा आपको बताया जाएगा, और किसी को भी इनकन्वीनियंस करने का कोई भी इरादा नहीं है, परंतु अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको थरोली वेरीफाई करने के लिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं फिर बोलूंगी कृपया पैनिक ना क्रिएट करें, पैनिक जैसी कोई भी सिचुएशन अभी तक नहीं है। लास्ट वार मैम, कि कितना टाइम और लगेगा? देखो, शॉप बाय शॉप 4 फ्लोर्स चेक करने हैं, सिनेमा हॉल्स भी है, आसपास का एरिया भी है, तो 2-3 घंटे लगने की संभावना है। इस विच कोई शक नहीं कि यह एक अफवाह भी साबित हो सकती है, लेकिन 15 अगस्त के दिन होने कारण पूरे भारत के नाल नाल पंजाब अते चंडीगढ़ के विच सुरक्षा कड़ी कर दिती गई है, अते 370 के मामले नू लैके भी सुरक्षा होर भी वधा दिती गई है। इसलिए हुण पुलिस वल्लों पूरे एलेंटे मॉल की सर्च तो बाद ही मॉल नू दोबारा तो लोगों लिए खोलिया जाएगा।